तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आ गए एक और नए वीडियो के साथ में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ कि कैसे आप अपने फोटो में डोज एंड बर्न कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी 2 मिनट लेना चाहूँगा भाई। भाई दिल से धन्यवाद आपका, आपने मेरे 2000 सब्सक्राइबर करवाए, मेरा 4000 वॉच टाइम पूरा हो गया है आपकी वजह से। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए। भाई आप भी बड़े से बड़े एडिटर बनते रहिए भाई। मैं भी इतना बड़ा एडिटर नहीं हूँ, पर अब आपको सिखा रहा हूँ भाई। जो मुझे पता है ना वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ आपके लिए लेकर आ गए हूँ कि भाई फोटो एडिटिंग में जान डालने वाली चीज़। भाई तगड़ी जान डाल देगा आपके फोटो में, सही बता रहा हूँ। अगर आपने मेरी जो वीडियो देख ली ना पूरी, तो भाई समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे फोटो में जान डालेंगे भाई। तो ठीक है, तो आपको वीडियो उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा। आप वीडियो पूरे देखते नहीं हो भाई, आप एडिटिंग कैसा सीख लोगे। वीडियो पूरे देखेंगे नहीं तो आप एडिटिंग कैसे सीखोगे, ठीक है। तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भाई घंटी दबा दो ताकि आपके पास में पहुंच जाए, और भाई वीडियो को लाइक कर दो। एक मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, लाइक तो कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई उसके लिए मैं आपके आ जाता हूँ फोटोशॉप में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डोज एंड बर्न से क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी फोटो को 3D लुक में लाना चाहते हैं ना, जैसे आपका बैकग्राउंड को छोड़ के आपका फोटो, आपका जो पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट, वो आपका डिटेल में दिखे ना, तो मतलब 3D तरीके से भी दिखे, उसके लिए आपको लगता है डोज एंड बर्न। तो भाई डोज एंड बर्न करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डोज और बर्न का, ठीक है। तो डोज और बर्न और एक स्पॉन्ज। तो डोज से आप, डोज देखिए मैं बता देता हूँ डोज क्या होता है। डोज से आप है ना अपने स्किन में ब्राइट कर सकते हो, मतलब लाइट ला सकते हो, ठीक है। बर्न से आप मतलब डार्क कर सकते हो। और स्पॉन्ज मतलब ये टूल जो होता है ना वो सेचुरेशन के लिए होता है, तो वो हम अभी सीख नहीं रहे। तो ठीक है, तो डोज एंड बर्न के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि डोज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उससे आप देखिए ये, तो उससे आपका हो गया कि आपके फोटो का जो डायरेक्ट है ना, आप उसको रिवर्स करना चाहोगे ना, तो रिवर्स नहीं होगा भाई। तो इसके लिए आपको एक लेयर पे बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, आपको सबसे पहले बना लेनी है यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर। तो एम्प्टी लेयर बना लेनी है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद में भाई आपको जाना है एडिट में। एडिट में आने के बाद में आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको 50% ग्रे का, ये कर देना है। यहाँ पर आपका मोड देखिए नॉर्मल रहना चाहिए, ओपेसिटी आपकी 100% रहनी चाहिए, और प्रिजर्व टेंसिल को ओके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो जैसे कि हमने ओके करा, यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया, 100% अपना कलर फील हो गया। तो उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर जाना है आपको नॉर्मल, जहाँ पर लिखा है वहाँ से जाने के बाद में इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देनी है, और क्या करना है ओवरले कर देना है, ठीक है। ओवरले करने के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ भी हमारा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो चेंज करेंगे ना हम वो दिखेगा भाई इसमें। तो दोस्तों हम आ जाते हैं अपने बीच भाई डोज पे। तो हम हमारे फोटो को सबसे पहले करेंगे डोज, मतलब यहाँ पर हमारी जहाँ जहाँ पर लाइट कम है ना, वहाँ वहाँ पर लाइट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको आ जाना है अपने सर्कल, ये ध्यान में रखिए कि आप ये सर्कल ना ये राउंड हो, ठीक है, राउंड हो, राउंड सर्कल ले सको आप, और ठीक है। और यहाँ पर ये हार्डनेस आपकी 36-38 आप रख सकते हो। मिड टोन्स पे आपको वर्क करना है, ठीक है। एक्सपोजर आपको रखना है, यहाँ पर स्किन पे काम करेंगे तो स्किन के लिए आपको यहाँ पर 8 रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर 8 आपको रख लेना है। और दोस्तों यहाँ पर शेडो, मिड टोन्स और हाईलाइट का ऑप्शन होता है। तो ज़्यादातर तो आप मिड टोन्स पे करोगे ना तो भाई ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिड टोन्स पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रेशियो आपको रखना है डिग्री 1 डिग्री, और प्रोटेक्ट टोन्स को आपको भाई ओके करके रखना, ताकि आपके टोन्स को बिगड़ने ना रहे, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें आपके टोन्स को बिगड़ेंगे ना, तो वो टोन्स आपके सुधार के रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ने डोज डोज टूल ले लिया है, डोज हम स्टार्ट कर देते हैं करना। तो यहाँ से आपको पहले मैं इसका ये साइज बढ़ा लूँगा, ठीक है। यहाँ पर डोज हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जहाँ जहाँ पर आपके फोटोज में लाइट आ रही है ना, वहाँ वहाँ पर आपको डोज टूल का यूज कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर कर देंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी लाइट यहाँ पर डाल लेंगे हम, यहाँ पर डाल देंगे आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर डालेंगे, फिर थोड़ी सी लाइट यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, और यहाँ पर थोड़ा सा और
बढ़ा देंगे लाइट को, ठीक है। यहाँ पर दांतों को हमको कम करना है, तो साइज कम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइट चाहिए, तो यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे होठ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर और कम करना पड़ेगा, ज़्यादा कम हो गया भाई, थोड़ा सा बढ़ जा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर लाइट आ रही है ना, वहाँ वहाँ पर आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जहाँ जहाँ पर लाइट आई ना, वहाँ वहाँ पर आपको करना है, ठीक है। वहाँ वहाँ पर आपको लाइट दे देनी है, ठीक है। तो ये हम इसको वापस से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कलर ग्रेडिंग का अगर आप सीखना चाहते, जैसे मैंने कलर ग्रेड करके रखा है इस फोटो को, और स्किन का भी स्मूथनिंग कर सक रहा है। तो दोस्तों आपको कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो अगर देखना है ना, तो भाई वो मैंने बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ पे भी चाहिए थोड़ा सा, ये देखिए ये लाइट यहाँ पर भी ज्यादा, इसको यहाँ पर कर देंगे थोड़ा सा, ये देखिए हल्का हल्का आपको करना है, ठीक है। ठीक है यहाँ पर कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं यहाँ पर नेक पर थोड़ा सा करूंगा, ताकि मेरे नेक दिखे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड से, आप अगर आपको गलत हो जाए ना, तो कंट्रोल जेड से आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से आपको यहाँ पर सही कर लेना है, थोड़ा सा गलत हो गया था। इसकी हार्डनेस मेरे को कम करनी पड़ेगी भाई यहाँ पर, ठीक है। ठीक है नेक पर हमको काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर जहां जहां पर लाइट आ रही है ना, वहां वहां पर आपको करना है वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़ों पे मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा इसको, एक्सपोजर कम से कम 23-24 रख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने 23-24 रख दिया है, और मैं जहां जहां पर लाइट चाहिए ना मुझे, वहां वहां पर इसको कर दूंगा। तो मैं अभी जहाँ जहाँ पर ये हाईलाइट्स है ना, है यहाँ यहाँ पर वाइटनेस, यहाँ यहाँ पर इसको कर दूंगा, ठीक है। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पर कर दिया। तो भाई मैं कर रहा हूँ ना, तब तक आप लाइक ठोक दो भाई, क्योंकि लाइक तो भाई आपके भाई को करना ही पड़ेगा आपके लिए। इतने वीडियो बना रहा हूँ यार, मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो भाई, लाल बटन तो आपको दबाना ही है, दबा दो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने फोटोज़ में अच्छे से आराम से करिएगा, मैं थोड़ा सा हार्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब, तो आपको ध्यान से करना अपने फोटो में, ठीक है। ये देखिए तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर कपड़ों में, आपको ये एक्सपोजर क्या है थोड़ा बढ़ाना है, ताकि वो आपको दिखे कपड़े, ठीक है। उसके बाद में भाई मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके, देखिए भाई अब मैं आपको एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना है आपको बालों पर आकर के, और आपके बालों का अगर आप शाइन देना चाहते हैं ना भाई, तो इससे दे सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, जहां जहां पर आपको शाइन देनी ना, वहां वहां पर, ठीक है।
इसको थोड़ा सा बढ़ा देना भाई। एंड में जो रिजल्ट आएगा ना वो देखना आप, तो अभी तो काम चल रहा है। और भाई ये देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। और भाई अगर आपको स्किन स्मूथ करके रखी, मैंने यहाँ पर ये आपके लिए मैंने इसके लिए एक्शन बना के रखा है भाई, 1 मिनट में आपको स्क्रीन रिटच करना है ना, तो भाई वो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हो। तो भाई सब्सक्राइब करके रखो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो आपको देखना उनको, ठीक है। और सीखना है भाई, सीख के तो जाना ही है भाई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, हमारा आधा काम हो चुका है, डोज डोज मतलब हमने कर दिया है हालांकि, ठीक है। जब आप मोबाइल में इस फोटो को लोगे ना भाई, तब आपके समझ में आएगा कि भाई ये क्या है, ये फोटो कहाँ से आया है, ठीक है। ये हमने डोज इतना इतना कर दिया है, ठीक है। अभी आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको ये पूरा बर्न के साथ में होगा ना, अब डोज हमने कर दिया तो भाई इसकी 3D दिखने के लिए आपको बर्न भी करना पड़ेगा। तो भाई बर्न पे जाना है आपको, ठीक है। बर्न पे आने के बाद में आपको क्या करना है, इसको साइज को कम कर देंगे हम, और इसको एक्सपोजर को कर देंगे अराउंड 5, ठीक है। 5 करने के बाद में आपको बर्न टूल करना है, जहाँ जहाँ पर आपको किया था उसके नीचे, जैसे ये मैंने यहाँ पर कर दिया था, किया था तो यहाँ पर मैं बर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं चश्मे के लिए नीचे ये जो शेडेस है भाई, मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस फोटो पे पहले से ही करके रखा है, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3D लुक कैसे आएगा, ठीक है। और भाई वो आपको इसमें भी मज़ा आ जाएगी, इसमें ही मज़े आएंगे भाई, आप आराम से करोगे ना आपके फोटो पे, तो भाई आप सोचो कि कैसा इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बर्न टूल में ये बर्न कर दूंगा इनको, ये शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, चलो बोलिए, ठीक है। अच्छा अब जहां जहां पर डार्कनेस चाहिए ना, वहां वहां पर करना आपको, जहां जहां पर डार्कनेस है ना वहां वहां पर आपको इसको पेंट कर देना है, ठीक है, ताकि आपने जो किया है ना उस पर जान आ जाए भाई। तो ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, आप नीचे जाएंगे भाई हाथ पे, जैसे ये हो गया, और ज्यादा कर दिया भाई, तो ये कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, डार्क जगहों पर डार्क कर देना आपको, ठीक है। यहाँ पर डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतने कर दिया हमने, उसके बाद में हमारी बारी आती है कपड़ों की, तो कपड़ों के बाद पहले हम इसके चश्मे पे कर देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए भाई, मज़ा आ जाए फोटो में। ये मैंने दाढ़ी पे थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, मूंछ पे, पटेलों की शान है भाई मूंछ, चश्मे पे कर दूंगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, चश्मे के लिए, चश्मे पे ज्यादा डार्क। बालों पे करना है थोड़ा थोड़ा, जहां पर डार्कनेस है जहां जहां पर हमने किया था ना वहां पर नहीं करना है, वो आपको वैसा ही रखना है, ठीक है। इसके बाद में कपड़ों पे आ जाना है, कपड़ों पे आपको करना है इसको 17 के अराउंड ही है ना, यहाँ पर आपको डार्कनेस ये डार्क कर देना है, ठीक है, ये डार्क कर देना है आपको, हार्ड कलर आपको डार्क कर देना है, ठीक है, सिर्फ हार्ड कलर डार्क कर देना है।
डार्क कलर आपको कर देना है, मैं कर देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पर देखिए एक्सपोजर का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोजर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्सपोजर पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर डार्कनेस, जहाँ पर डार्कनेस है ना वहाँ वहाँ पर आपको कर देना है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ इसको, आप आराम से करना अपनी फोटो में, ठीक है। जैसे कपड़ों पे तो डार्कनेस एड तो कलर भी उभर आते हैं भाई इससे, ये देखिए आप भाई, लुक तो आपका खतरनाक ही हो जाएगा भाई, मतलब फोटो में जान डालने वाली चीज ही यही है, क्या बात। हो गया भाई, मतलब लगभग काम हो रहा है हमारा कंप्लीट। तो ये देखिए मस्त हो रहा है भाई एकदम, ये देखिए जहां जहां पर डार्कनेस है ना वहां वहां पर डार्कनेस क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने ये अपने फोटो को कर दिया है डार्क, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना उसको भी डार्क कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा फोटो जो है ना डार्क करना है, ठीक है, ताकि हमारा फोटो जो है ना वो अलग दिखे, ठीक है। यहाँ पर मैं दूर दूर से कर देता हूँ, अभी पास से आपको बाद में करना, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ज़्यादा डार्क कर देना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये और बाकी है आपको सिंगल डार्क करना है, ठीक है, पेंट करना है आपको बस, ताकि आपका फोटो जो है ना वो 3D निकल के आ जाए भाई ऊपर से, ठीक है। पेंट करना है आपको, ये इससे अलग ही लुक आ जाएगा भाई आपके फोटो में। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो उभर के आ जाएगा ऊपर, जैसे कि मेरा फोटो है, ये मेरा ही फोटो है भाई, तो ये खुद अलग से दिख रहा है भाई आप, मतलब अलग से लगा दिया आपने, मतलब एकदम ओरिजिनल फोटो जो होता है ना वो दिख रहा है भाई इसमें, ठीक है। तो जहाँ पर डार्क है ना मैं वहाँ पर और थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, ये देखिए ये पेड़ों की डाली है, इसको मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया, ठीक है, ताकि 3D लुक्स आ जाए, क्या आवाज है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ यहाँ पर करते हैं हर जगह, मतलब अपनी नोर पे, ताकि 3D लगे एकदम फोटो, ठीक है। यहाँ पर स्किन पे नहीं करना है, ठीक है, बस इधर इधर, बहुत काम की चीज है ये डोज इन बर्न, ऐसा ही थोड़ी है, हल्की चीज नहीं है भाई, जान डाल देता है आपके फोटो में पूरी। अब भाई मैं आपको प्रीवियस वाला बताऊंगा और अभी वाला बताऊंगा, और देखना आप कितना ज्यादा फर्क आएगा भाई। अरे किधर गया सहारा, ठीक है, मतलब हमारा डोजेन बन देखो पूरा हो चुका है, और मैं अब आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ कि भाई पहले कैसा फोटो था अपना और अब कैसा हो गया है, जान डलेगी भाई देखना है आप, तो जान डलने वाले फोटो में देखिए, ये देखिए क्या बात है, एकदम 3D लुक जब आप इसको डालोगे ना भाई, इसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ से कम कर सकते हो, जैसे मैं इतनी रखूँगा इसको, ठीक है, ये देखिए आपके फोटो में भाई जान आ जाएगी भाई, एकदम जान डल जाएगी आपके फोटो में, आपको जैसा पसंद है भाई वैसा आपको रखना है, ये देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है भाई आ गया ना। और आपको देखना जैसे कि मैंने ये पेंट करा ना, तो यहाँ पर एक पूरी तरीका से पेंटिंग बन जाएगी भाई, तो मतलब आप समझ लेना कि आपका काम सही हो रहा है, ठीक है, पेंटिंग
देखिए डोज और बर्न का ये कितना सही हो गया है। तो दोस्तों कलर तो मैंने ग्रेड करके रखा था अपने फोटो में, तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग वाला ट्यूटोरियल देखना है ना, तो भाई वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी। आप मेरे सबसे पॉपुलर वीडियो वही है, और इसी फोटो पे अगर आप चाहते हो तो भाई 2-3 दिन में आपको वो भी डाल के दे दूंगा मैं, नहीं तो कल ही डाल दूंगा मैं आपके लिए। और क्या है, सब्सक्राइब और लाइक करो भाई, और वीडियो अच्छा लगा ना तो भाई कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा है। तो भाई बालों पे देखना आप, बालों पे भी देखिए भाई क्या बात है, चश्मे पे देखना भाई, हाथों पे देखना, आया फील, पैंट कपड़े हर चीज को आप देखिए भाई। ये फोटो मैं ना पोस्ट करके देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है विशाल पटेल ऑफिशियल 1, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो भाई। ये फोटो मैंने डाल के रखा है, अभी अभी रिसेंट पोस्ट किया है मैंने भाई, इतना मस्त लगा, लोगों ने कमेंट किया भाई कि भाई क्या फोटो है यार, मजे आ गए। तो मैंने सोचा कि यार चलो ऐसी फोटो पे जो मैंने चीज डाली है ना वो आपको बताऊं, तो मैंने दो चैन बनने का आपको लगा दिया। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो भाई। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या नीड है, ठीक है, तो वो आपको मुझे बताइए कमेंट में लिख के, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई। और दबा दो भाई सब्सक्राइब बटन, दबा दो तुम्हारे भाई को, और भाई प्यार देते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।